सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास होंडा सिविक गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है कि जो मिरर ऑटो फोल्ड आता है, उसका बटन जब ऑपरेट करते हैं, एक भी मिरर ओपन और क्लोज नहीं होता है। वो हम आपको दिखाते हैं, देखिए दोनों साइड का कुछ भी नहीं होता है। आप यहीं से देखिए, ऑन कीजिए, बटन क्लोज कीजिए। देखिए, हमने इग्निशन ऑन रखा है, बटन प्रेस कीजिए। ये देखिए, इसका बटन है, ये देखिए हम ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, हमारा मिरर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, ना इधर का कर रहा है ना उधर का कर रहा है। देखिए, हम फिर से मिरर ऑपरेट करते हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। फ्रेंड, ये मिरर पूरा फ्री हो गया है। देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए पूरा फ्री हो गया है। तो इसका जो गियर का दाता आता है फ्रेंड, जो अंदर मोटर के अंदर एक गियर आता है, वो गियर का जो दाता है पूरी तरह से स्लिप हो चुका है या टूट चुका है। तो हम मिरर ओपन करेंगे, ओपन करके उसको छुट्टा करके चेक करेंगे। देखिए, दोनों साइड यही प्रॉब्लम है, राइट का भी यही प्रॉब्लम है, लेफ्ट का भी यही प्रॉब्लम है। तो हम आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ऐसा अगर आपके प्रॉब्लम आता हो आपके गाड़ी में, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ रिप्लेस करना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम मिरर ओपन करते हैं, ओपन करके छुट्टा करके फिर आपको दिखाते हैं। सकते आप लोग, ये हमने राइट साइड का मिरर बाहर निकाल दिया है। इसका डोर पेड भी पूरा ओपन कर दिया है। डोर पेड ओपन करके फिर आपको मिरर बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, हमने राइट साइड का मिरर बाहर ले लिया है। ये 3-10 का देखिए नट खोल ओपन करना पड़ेगा और एक सॉकेट आपको ओपन करना पड़ेगा। एक सॉकेट और 3 नट ओपन करेंगे डोर पेड ओपन करके, तो मिरर आपका बाहर आ जाएगा। लेफ्ट साइड का हम ओपन कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड का भी मिरर अब बाहर आने वाला है। अब बाहर लेके दोनों मिरर को फिर छुट्टा करेंगे हम, और छुट्टा करके चेक करेंगे कि हमारे मिरर में क्या प्रॉब्लम है करके। सॉकेट निकालो। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का भी मिरर बाहर आ चुका है, और ये हमारा राइट साइड का मिरर है। देखिए, दोनों मिरर हमने ओपन कर दिया गाड़ी से। ये हमारी सिविक गाड़ी है, देख सकते हैं, गाड़ी से दोनों ओपन कर दिया है हमने। तो हम छुट्टा करते हैं और छुट्टा करके चेक करते हैं कि मिरर में क्या प्रॉब्लम है, कि हमारा मिरर वर्क नहीं हो रहा है, ओपन और क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा दोनों मिरर का बॉडी छुट्टा हो चुका है, देख सकते हैं, हमने इसको छुट्टा किया है। ये देखिए, इसका बॉडी टूटा हुआ था, हमने इसको सीलन लगा कर चिपकाया है। तो ये इसका गियर है, ये देखिए, ये गियर भी दो टुकड़ा हो गया था। ये गियर को भी हमने चिपकाया है फेवी किप से। ये गियर को देख सकते हैं, इसका ये मोटर है जो मिरर को आपके ऑपरेट करता है। देखिए, इसके अंदर का बॉडी क्रैक हो गया था यहाँ से, तो उसको हमने फेवी किप से और स्पंज से चिपका के रखा है। ये हमारा गियर है, तो जैसे सूख जाएगा वैसे हम इसको असेंबली करना चालू कर देंगे। असेंबली करके फिर फिट करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा मिरर ओके हुआ है कि नहीं। तो हमें असेंबली करने जा रहे हैं। देखिए, बॉडी में हमारा मोटर रिपेयर हो चुका है। हाँ, मैं जिस दिन आया उस दिन गया ना।
बच्चों में ना एंड्रॉइड नहीं दिख सकते, सही में अपना भी मन नहीं है एंड्रॉइड से। तो ये मिरर का हमने बॉडी रिपेयर किया है एक साइड का, और एक साइड का हमने मोटर रिप्लेस किया है। ये देखिए ये मिरर का जो हमारा रेडी हो चुका है, इसका मोटर ख़राब हो गया था तो हमने एक में मोटर रिप्लेस किया है और एक में इसका बॉडी रिपेयर किया है, गियर रिपेयर किया है, गियर जो टूटा हुआ था जो हमने आपको दिखाया था। तो ये हमारा मोटर पूरा असेंबली हो चुका है, अब इसका जो भी पार्ट हमने ओपन किया है उसको फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके असेंबली करके लेंगे। देखिए इसका बॉडी क्रैक हो गया था तो हमने इसको फेविकिप से और स्पंज आता है उससे इसको चिपका के रखा है पूरी तरह से, मोटर उसमें स्लिप मार रहा था बॉडी में। देखिए हमारा काम कर रहा है, ये देखिए ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट चेक भी कर लिया है, अब इसको हम असेंबली करते हैं। तो ये हम टेस्ट कर रहे हैं, देखिए डायरेक्ट हम टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद फाइनल करेंगे, नीचे कवर वो लगाएंगे। ये देखिए हमारा वर्क होने लगा, काम नहीं है। अभी 1200 में दूंगा, पहले मैं 1100 में है, मेरे पास कितना चाहिए बोलो, बोलता हूँ बोला से। तो ये हमारा मिरर फाइनल हो चुका है दोनों, देखिए कि यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। अब हम दोनों को गाड़ी में लगाएंगे और चेक करके आपको दिखाते हैं गाड़ी में फिट करने के बाद। तो फ्रेंड हमने इसका मिरर रिपेयर कर दिया है, देख सकते हैं अब इसको गाड़ी में फिट करने जा रहे हैं, गाड़ी में फिट करके और उसके बाद चेक करके फिर आपको दिखाते हैं हम। फ्रेंड डोर पैड खोल के 3 नट आपको 10 का खोलना पड़ेगा तो आपका मिरर बाहर आएगा। यहाँ से देखिए 3 नट है, 1 2 और यहाँ से 3, 1 2 और इसके यहाँ से 1। ये इसका मिरर का सॉकेट है, अब सॉकेट लगाएंगे हम इग्निशन ऑन करके और चेक करेंगे। फ्रेंड अब इसका इग्निशन ऑन करके देखिए इसका मिरर का बटन से ऑपरेट करके एक बार देखते हैं। देखिए हमने इसका पावर विंडो का जो स्विच है तो लगा दिया है, अब ये मिरर का बटन है इसे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट कीजिए। तो फ्रेंड हमने इसका दोनों साइड का मिरर फिट कर दिया है, देखिए हमारा ओपन क्लोज दोनों हो रहा है, देखिए हम ओपन कर रहे हैं, ये देखिए अभी क्लोज करने जा रहे हैं, देखिए हमारा इस साइड का क्लोज हो गया है, देखिए हमारा लेफ्ट साइड का भी क्लोज हुआ है, अभी हम ओपन कर रहे हैं, देखिए देखिए हमारा दोनों साइड का क्लोज हो गया है, यहाँ भी क्लोज हो रहा है, ये देखिए ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये देखिए ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा दोनों साइड का मिरर हमने फिट कर दिया गाड़ी में, अब इसका डोर पेड जो ओपन किया था वो फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद फिर आपको एक बार और चाहिए तो फाइनल चेक करके टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो अंसारी जी इसका डोर पेड लगाइए, थोड़ा दरवाज़ा और अंदर लीजिए। तो ये हमने मिरर ओपन करने के लिए जो भी प्लास्टिक व्लास्टिक निकाला था सब फिट कर दिया है, अब इसका जो डोर का पैड आता है उसको फिट कर देते हैं फाइनल। ये देखिए डोर का पैड है, इसको फाइनल फिट करके और उसके बाद फिर आपको चेक करके हम दिखाते हैं। हमने अब हमारा राइट साइड का डोर पैड लगने जा रहा है, लेफ्ट साइड का हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, देख लीजिए। अब राइट साइड का भी डोर पैड लगा लेते हैं, डोर पैड लगाने के बाद फिर फाइनल करके फिर आपको दिखाएंगे बटन ऑपरेट करके। Thank you.
फ्रेंड ये देख सकते हैं दोनों साइड का हमारा डोर पे लग चुका है। ये देखिए दोनों साइड का हमारा फाइनल हो चुका है। हमने इसको थोड़ा हाथ वाथ लगाया था, वो भी पूरा साफ़ कर रहे। देखिए हमारे यहाँ सारे थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं ओपन और क्लोज करके। देखिए हम एक क्लोज कर रहे हैं, क्लोज का बटन है। ये देखिए हमारा मिरर क्लोज हो रहा है। ये देखिए ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साइड का हमारा मिरर का प्रॉब्लम था, दोनों साइड का हमारा सॉल्व हो चुका है। चाहिए तो उधर भी देख सकते हैं आप। हाँ सर, आइए अंसारी जी। ये देखिए ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। ये देखिए ये ओपन हुआ। ठीक है फ्रेंड, ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखिए हम ये भी दिखा देते हैं आपको, ये भी हमारा ऑपरेट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए नीचे से अंदर, ये ऊपर ले रहे हैं। देखिए हमारा ऊपर हो रहा है। ये देखिए यहाँ से हम अंदर लेंगे। देखिए यहाँ से भी हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए वहाँ से भी हो रहा है। तो ये भी ऊपर नीचे अंदर बाहर दोनों काम कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड ये भी कभी भी मिरर आप चेक करिएगा तो ये भी ऑपरेट करके देख लीजिए कि आप अपना कांच भी ऊपर नीचे अंदर बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा इसमें जो भी प्रॉब्लम था मिरर का वो सॉल्व हो चुका है। हमारे कस्टमर जी का यही प्रॉब्लम था जिनका मिरर ओपन और क्लोज नहीं होता है। तो हमने इस तो फ्रेंड ये देख सकते हैं कि हमने एक साइड के मिरर में एक गियर रिप्लेस किया है। ये देखिए ये गियर है जो आपके मिरर को ओपन और क्लोज करता है, और एक साइड का लेफ्ट साइड का जो मिरर है उसका हमने मोटर रिप्लेस किया है। ये दोनों में प्रॉब्लम था, देखिए टूट गया था, इसके लिए क्लोज और ओपन नहीं हो रहा था और ये मोटर काम नहीं कर रहा था, तो हमने मोटर और ये रिप्लेस किया है। तो ये आज का हमारा वीडियो था अगर कि मिरर अगर अनफोल्ड या फोल्ड ना होता हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो जो जो हमने इसमें दिखाया छोटा करके आप लोग चेक कीजिएगा, अगर आपसे हो सके तो ठीक है, और नहीं हो सके तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर करके देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा वीडियो था मिरर रिपेयर का। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को।